दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन बीजेपी ने अब भी शाहीन बाग का मुद्दा नहीं छोड़ा। कर्नाटक बीजेपी यूनिट ने तो इशारों इशारों में शाहीन बाग की महिलाओं के मतदान करने को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे बीजेपी फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के ट्वीट को लेकर जमकर घेराबंदी की है। नए कानून और NPR को लेकर देश भर में बहस का दौर जारी है। मुस्लिम महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग में 55 दिन से धरने पर बैठी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार पर आजादी छीनने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार हमसे दस्तावेज मांगेगी और देश से बाहर निकालेगी। महिलाओं के इसी प्रदर्शन को बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में जमकर मुद्दा बनाया, लेकिन कर्नाटक बीजेपी यूनिट ने तो ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल कर्नाटक बीजेपी यूनिट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने जा रही मुस्लिम महिलाओं की एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में हिजाब पहने कई मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं। इस वीडियो के कैप्शन में बीजेपी ने लिखा है, कागज नहीं दिखाएंगे हम, इन कागजातों को सेफ रखो, इसे फिर से NPR के समय दिखाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने #दिल्ली चुनाव 2020 लिखा है। बीजेपी के इस ट्वीट से साफ है कि वो महिलाओं का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का यही मजाक उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस ट्वीट पर उसे आड़े हाथों लिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी महिलाओं के मताधिकार को प्रदर्शन से जोड़ रही है, ये उसकी ओछी राजनीति की झलक है। अब जब बीजेपी महिलाओं को मुद्दा बनाएगी तो जाहिर है कि कांग्रेस तो उसे आड़े हाथों लेगी ही, लेकिन इस बहसबाजी से इतर एक बात तो साफ हो गई है कि शाहीन बाग के मुद्दे पर किरकिरी होने के बाद भी बीजेपी की बेलगाम जुबान नहीं संभली है। DB लाइव की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के नतीजे 11 फरवरी सुबह 7 बजे से लाइव हमारे साथ।